हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी एक्शन एंटरटेनर फिल्म पठान के साथ 4 साल बाद बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हर पठान से निश्चित रूप से काफी उम्मीदें जगी हैं और ऐसी खबरें हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग करने वाली है। जी हाँ, पठान को लेकर तमाम विवाद चल रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान ट्रेंड करता है, लेकिन इन सब के बावजूद ट्रेंड एनालिस्ट का अनुमान है कि यह फिल्म शाहरुख खान के करियर की बम्पर ओपनर फिल्म साबित होगी। फिल्म पहले दिन 35 से 45 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, ये अनुमान ट्रेंड एनालिस्ट का है। वहीं कुछ खबरों की माने तो ट्रेंड एनालिस्ट अक्षय राठी ने संभावना जताई है कि शाहरुख खान की फिल्म 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई अपने ओपनिंग डे पर ही कर लेगी। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी क्योंकि त्योहारों का हफ्ता फिल्म की कमाई में काफी मदद करता है। वहीं कुछ और ट्रेंड एनालिस्ट भी पठान की कमाई को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि पहले वीकेंड ये फिल्म 100 करोड़ के पार पहुंचेगी और 5 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाई का आंकड़ा 300 करोड़ पार कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ट्रेंड पंडितों का अनुमान हकीकत में कौन सा आंकड़ा छूता है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत के क्या ही कहने, पहले आदिल संग ने कहा कि बात बताकर सबको शॉक किया, इसके बाद मम्मी के ब्रेन ट्यूमर और कैंसर की खबर देकर सभी की आंखें नम कर दी। कुछ समय पहले ये तक खबरें आई कि राखी का मिसकैरेज हुआ है। आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत की मिसकैरेज की खबर पर विराम लगाते हुए कहा कि खबर पूरी तरह से फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आदिल ने अपनी और राखी के निकाह की फोटो शेयर कर लिखा फेक न्यूज। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के टॉपिक पर किसी भी तरह की फेक न्यूज ना पब्लिश करें। इसके साथ एक वीडियो शेयर करते हुए राखी और आदिल दोनों ने ही इस बात को कहा है कि ना तो एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थी और ना ही मिसकैरेज हुआ है, ये बात सरासर झूठी है। लगता है कि राखी पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है, लेकिन अब आदिल ने आगे आकर राखी के मिसकैरेज की सच्चाई बता दी है। इससे पहले खबरें आई थी कि सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी संग बातचीत में राखी ने अपनी प्रेगनेंसी की बात को कबूला था। राखी ने उन्हें फोन पर कहा था कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने बिग बॉस मराठी में अपनी प्रेगनेंसी भी अनाउंस की थी, लेकिन लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, इसलिए किसी ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। राखी ने इसके साथ ये भी कंफर्म किया कि उनका मिसकैरेज हुआ। फैंस राखी को आदिल संग खुश देखकर काफी संतुष्ट हैं, बस दुआ कर रहे हैं कि राखी की शादी निभ जाए। मुकेश अंबानी के लाडले नवाब अनंत अंबानी आज अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मोचरण के साथ सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज अनंत अंबानी और राधिका मोचरण की एंगेजमेंट सेरेमनी है। वीरेन मोचरण की बेटी राधिका मोचरण मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को सालों पहले अपना दिल थमा चुकी हैं। ऐसे में आज जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामने के लिए बेकरार है। इन दोनों की सगाई की तस्वीरें और साइड डिटेल जानने के लिए फैंस काफी बेकरार नजर आ रहे हैं। आज हम आपके लिए इस रिपोर्ट में अनंत अंबानी और राधिका मोचरण की एंगेजमेंट सेरेमनी की छोटी छोटी डिटेल्स लेकर आए हैं। 19 दिसंबर 2022 को राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत और राधिका का रुका हुआ था। ऐसे में फैंस जानने के लिए बेकरार हैं कि अंबानी परिवार अपने छोटे बेटे का सगाई समारोह कहां करने जा रहे हैं। ऐसे में आपके इस सवाल का जवाब देते हुए बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मोचरण की सगाई कहीं और नहीं बल्कि उनके आशियाने में ही होने जा रही है। जी हाँ, मुकेश अंबानी का घर किसी 5-स्टार होटल से कम थोड़ी है और अपने आशियाने को मुकेश अंबानी ने बेहद खूबसूरती से सजा दिया है। एंटीलिया की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते हैं बॉलीवुड गपशप।